नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मारी यूट्यूब चैनल संजय पटेल मां आप सौनो हार्दिक स्वागत छे। मित्रों, आजना वीडियो नी अंदर अपने धोरण 11 विषय छे हिंदी, जेनो पाठ त्रीजो के जेनु नाम छे पुरानी चीजों के पक्ष में। आ पाठना स्वाध्यायना प्रश्नों ने तेना जवाबो विषे शीखवाना छे। विद्यार्थी मित्रों, जो तमे मारी चैनल मां नवा होय तो मारी चैनल ने जरूर थी सब्सक्राइब करो, वीडियो सारो लगे तो लाइक करो, शेर करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन करो, जेथी मारा आगळना तमाम वीडियो पण आपने मळता रहे। तमज मित्रों, आ पाठनी पीडीएफ जोवा माटे प्ले स्टोर मां जई अमारी एप्लिकेशन विश्वगुरु संजय पटेल डाउनलोड करी तमारा मोबाइल नी अंदर इंस्टॉल करो। जे तमे शुरू करशो तो तमने आ प्रकारे जोवा मळशे, जेमां उपलब्ध बधा धोरणों नी अंदर धोरण बतावशे, धोरण पसंद करशो एटले विषय बतावशे, विषय पसंद करशो एटले पाठ बतावशे। जेमा वीडियो पर क्लिक करशो तो तमने वीडियो जोवा मळशे अने अन्य साहित्य पर क्लिक करशो तो तमे पीडीएफ जोई शकशो। तो आशा राखुं छुं अमारी एप्लिकेशन आपने गमशे, जरूर डाउनलोड करजो। तो चलो मित्रों, हवे शुरू करिए पाठ त्रीजो, पुरानी चीजों के पक्ष में। प्रश्न एक, सही विकल्प चुनकर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, इनमें से किसकी कहानियां पुरानी है? तो उत्तर होगा नानी। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં પ્રશ્નનો જવાબ છે તે આપણે ફરી વખત લખેલો છે જે તમે જોઈ શકો છો। ત્યાર પછી બીજો પ્રશ્ન છે, કમ્પ્યુટર ઓર સેટેલાઇટ કે યુગ મે આજ ભી સડકો પર ક્યા દોડ રહી હે? તો ઉત્તર હોગા ક, સાયકલ। તીસરા, દુબ કિસકા પ્રતીક હે? તો ઉત્તર હોગા ગ, વિનમ્રતા। ચોથા પ્રશ્ન, સારે વિવાદ કા કેન્દ્ર સ્થાન કોન સી બાત હે? તો ઉત્તર હોગા ગ, સચ ઓર ઝૂઠ દોનો। पांचवा प्रश्न, कुछ पुरानी चीजों के पक्ष में कविता में कवि का रुझान किन चीजों की ओर है? तो उत्तर होगा ग, पुरानापन। दूसरा प्रश्न, निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। पहला प्रश्न, कुछ पुरानी चीजों के पक्ष में कविता में कवि ने किन चीजों के मद्देनजर अपनी बात कही है? तो पुरानी चीजों के पक्ष में कविता में कवि ने उन चीजों के मद्देनजर अपनी बात कही है जो पुरानी होकर भी हर वक्त काम आती रहती है। दूसरा, बीमार पड़ने पर आज भी क्या काम आता है? तो बीमार पड़ने पर आज भी दादी के घरेलू नुस्खे काम आते हैं। तीसरा प्रश्न, कुछ पुरानी चीजों के पक्ष में आधुनिकता की परियाचक कौन सी चीजें हैं? तो कुछ पुरानी चीजों के पक्ष में झूठ और सच, अहिंसा विनम्रता और कुछ पुरानी समझदारियां जैसी चीजें आधुनिकता की परिचायक है। चौथा प्रश्न, कवि राजेश जोशी कौन सी चीज स्मृतियों में शेष रहने की बात कहते हैं? तो कवि राजेश जोशी थोड़ी सी टीस और थोड़ी सी मिठास स्मृतियों में शेष रहने की बात कहते हैं। प्रश्न तीन, निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर पांच छह वाक्य में दीजिए। पहला प्रश्न, सड़कों पर आज भी साइकिल क्यों चलाई जाती है? उत्तर, दुनिया में बदलाव आता रहता है फिर भी कुछ पुरानी चीजें कभी नहीं बदलती। साइकिल बहुत पुरानी सवारी है, इसके बावजूद उसका प्रयोग आज भी हो रहा है। उसकी उपयोगिता कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। उसमें न पेट्रोल का खर्च है, न डीजल का और न गैस का। पार्किंग का झंझट भी इसमें नहीं है, इसीलिए सब प्रकार से सुविधाजनक होने के कारण सड़कों पर आज भी साइकिल चलाई जाती है। दूसरा प्रश्न, लोगों को हिंसा की बजाय सरल जीवन क्यों पसंद है? तो हिंसा मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति नहीं है, वह क्षणिक आवेश है। सामान्य रूप से मनुष्य अहिंसक रहता है। समाज में रहने के कारण उसके व्यवहार में अहिंसा की प्रधानता होती है। प्रेम, सहयोग, सहकार, मेलजोल ये मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियां है। इन्हीं से जीवन में सुख शांति से रहा जा सकता है, इसीलिए लोगों को हिंसा के बजाय सरल जीवन ही पसंद है। प्रश्न चार, आशय स्पष्ट कीजिए, जिसमें पहला है, विनम्रता कोई कायरता नहीं। तो विनम्रता मनुष्य के श्रेष्ठ गुणों में से एक है। बड़े बड़े कार्य विनम्रता से संपन्न हो जाते हैं। विनम्रता के समक्ष क्रूरता को भी झुकना पड़ता है। शर्त यह है कि विनम्र व्यक्ति सबल हो। निर्बल व्यक्ति की विनम्रता से विनम्रता को नहीं मापा जा सकता। सबल व्यक्ति की विनम्रता को सभी कायरता नहीं कहा जा सकता। महात्मा गांधी जी की विनम्रता इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है।
दूसरा प्रश्न है, बर्निस्तब बनिस्बत हिंसा के एक सदा सरल जीवन ज्यादा काम आता है लोगों को। तो हिंसा समस्या का समाधान नहीं है, हिंसा से कोई भी समस्या सुलझने की अपेक्षा और जटिल हो जाती है। सादा और सरल जीवन प्राचीन सभ्यता की देन है, उसका अस्तित्व सदा रहने वाला है, उसी से मनुष्य सुख शांति और चैन से अपना जीवन निर्वाह कर सकता है। प्रश्न 5, इस कविता में प्रयुक्त आगत यानी कि विदेशी शब्दों को छांट कर लिखिए। विद्यार्थी मित्रों, आ प्रवृत्ति तमारे जाते करवानी छे, जेथी तमने पण काव्य विषे समझ मळे। तो अहीं आपणो काव्य 3 ना प्रश्नोना जवाबो छे ते पूरा थई छे। આગળના પાઠના પ્રશ્નોના જવાબો મેળવવા મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો, તેમજ આ પાઠની PDF જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાં જઈ અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ સંજય પટેલ ડાઉનલોડ કરો, જેમાં તમને દરેક પાઠના સોલ્યુશન તેમજ PDF જોવા મળશે। તો આશા રાખું છું અમારી એપ્લિકેશન પણ આપને ગમશે, જરૂર ડાઉનલોડ કરજો। ફરી મળીશું પાઠ 3 ની અંદર, ત્યાં સુધી આવજો।